बिरादरान मिल्लत, बुजुर्गान मोहतरम, सिलसिले के अजीज साथियों और हमारी काबिल एहतराम माएँ बहनें और अजीज बच्चियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्लला व मन युदलिलहु फला हादियला, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकला, व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। ये जो सिलसिला चल रहा है इस वक्त वो दर्स मायार सलूक का चल रहा है। आज 13वां दर्स है और हज़रत अब शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़िक्र खैर है उसका छठा हिस्सा है। इस दर्स का आगाज़ हम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस हदीस मुबारक से करते हैं जिसमें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنا ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا। حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि तीन अफराद के ख़िलाफ़ क़यामत के दिन मैं ख़ुद मुद्दई बनूँगा। जिस शख्स ने मेरे नाम पर मुआहिदा करके तोड़ दिया, जिस शख्स ने किसी आज़ाद आदमी को बेच खाया, नंबर तीन जिस शख्स ने किसी मज़दूर से मज़दूरी कराई और उससे खूब काम लिया फिर उसकी उजरत अदा न की। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 5वीं मजलिस का ज़िक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा कि जो कि 12 शव्वाल 545 हिजरी बरोज़ मंगल बवक्त ईशा बमुकाम मदरसा क़ादरिया बगदाद में मुनाकिद हुई। इस मजलिस का आगाज़ आप इस तरीके से फरमाते हैं कि दुनिया व आखिरत की बादशाही के लिए ख़ुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। अगर तू दुनिया व आखिरत का मालिक बनना चाहता है तो अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दे। इस तरह तू अमीर भी हो जाएगा और अपने नफ्स और गैर पर हाकिम भी हो जाएगा। मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, मेरी नसीहत को मान ले। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात की तस्दीक कर। जब तू झूठ बोलेगा और दूसरों को झुठलाएगा तो तुझे झुठलाया जाएगा। जब तू सच बोले और दूसरों को सच्चा जाने तो तू खुद भी सच्चा ठहरेगा और तुझसे सच कहा जाएगा। तू जैसा करेगा वैसा ही भरेगा।
अपने दीन की मर्ज़ की दवा मुझसे लो और इस्तेमाल करो, सेहत व तंदुरुस्ती हो जाएगी। अगले लोग औलिया अल्लाह और सालिहीन की जस्तजू में मशरिक़ ता मगरिब सफ़र में रहते थे। यही लोग दिलों और दीन के तबीब हैं। उनमें से जो कोई मिल जाता तो उससे अपने दीनों की दवा तलब करते थे। आज तुम्हारा हाल ये है कि फुकहा, उलमा और औलिया अल्लाह से जो अदब इल्म सिखाने वाले हैं उनसे दूर भागते हो। ऐसी हालत में तुम्हारे हाथ दवा न लगेगी। मेरा इल्म और मेरी तिब तुम्हें क्या फ़ायदा देंगे? मैं तो हर रोज़ तेरे लिए एक बुनियाद बनाता हूँ और तू उसे गिरा देता है। मुसलसल तेरे मर्ज़ की दवा तजवीज़ करता हूँ मगर तू उसे इस्तेमाल में नहीं लाता। तुझे मना करता हूँ कि ये लुकमा न खा, इसमें जहर है, वो निवाला ले, उसमें शिफा है, लेकिन तू मेरी मुखालिफत करके वही लुकमा खाता है जिसे खाने से मैं मना करता हूँ। जल्द ही तेरे दीन और ईमान की इमारत में उसका जहरीला असर जाहिर होगा। मैं तुझे समझाता रहूँगा, तेरी तलवार की मुझे कुछ परवाह नहीं, नहीं तेरे सोने के हदिये की मुझे हाजत है। जिसे अल्लाह का साथ मैसर हो वो किसी से भी किसी भी हालत में घबराता नहीं है, न जिनों से, न इंसानों से, न ज़मीन के कीड़े मकोड़ों से, नहीं दरिंदों और जहरीले जानवरों से, न मखलूक़ात में से किसी चीज़ से। मशाइख़ कराम जो उलमाए बामल हैं उनको हकीर मत जानो। तुम अल्लाह ताला और उसके रसूलों और उसके नेक बंदों से मुआफ़िक़त नहीं रखते हो जो अल्लाह की मईयत में रहने वाले हैं, उसके अफ़ाल से राज़ी रहने वाले हैं, हर तरह की सलामती उसकी रज़ा में राज़ी रहने, अपनी आरज़ू को कोताह करने और दुनिया से बेरग़बत रहने में है। जब तुम अपने नफ्स में ईमान की कमज़ोरी पाओ तो अपनी उम्मीदों को कोताह कर दो और मौत को हमेशा याद करते रहो। किफ़ात इलाही को काफ़ी समझना ही हकीकी बंदगी और सच्ची गुलामी है। ए बेटा, अल्लाह की बंदगी कहाँ है? तो हकीकी बंदगी और सच्ची गुलामी की जस्तजू कर। अपने सब कामों, अपनी तमाम ज़रूरियात में अल्लाह की किफ़ायत को काफ़ी समझ, तो तू अपने मालिक से भागा हुआ ग़ुलाम है, उसकी तरफ लौट चल, उसी के सामने अपना सर झुका, उसके ताबे हो जा, उसके हुक्म की तामील कर, उसके मना किए हुए से बाज रह, उसकी क़ज़ा पर सब्र और मुआफ़िक़त कर और तवाज़ो इख्तियार कर। जब तू इन बातों में कमाल हासिल कर लेगा तो तेरी बंदगी और ग़ुलामी अपने आका के लिए कामिल हो जाएगी और वो तेरे सब कामों में कफील हो जाएगा। इरशाद बारी ताला है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जब अल्लाह के लिए तेरी ग़ुलामी सही हो जाएगी तो वह तुमसे प्यार करेगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बत को और ज़ोरदार कर देगा। उसके साथ तुम्हारे उन्स और उसकी क़ुर्बत बग़ैर किसी मशक्क़त और बग़ैर जस्तजू के हासिल होगी। तुझे उसके गैर की मोहब्बत अच्छी न लगेगी, फिर तो उससे हर हाल में राज़ी रहेगा। अब अगर वो चाहे ज़मीन को फ़िराक होने के बावजूद तुम पर तंग कर दे, कशाइश वसात के बावजूद तुम पर दरवाज़े बंद कर दे, तुम्हें उससे किसी तरह की शिकायत न होगी। तुम अब न गैर के दर पर जाओगे
और न गैर के यहाँ खाना खाओगे। ऐसे में तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिल जाओगे कि अल्लाह ताला ने उनके हक़ में इरशाद फरमाया, वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, और वह पिलाने वाली दाइयों का दूध उन पर पहले ही हराम कर दिया। हमारा परवरदिगार, पाक परवरदिगार हर चीज़ का देखने वाला है, हर चीज़ में हाजिर है, हर चीज़ के साथ निगहबान और चीज़ से करीब है। तुम किसी हालत में उससे गायब ओझल नहीं हो सकते। मारिफत के बाद इनकार करना कुछ माना नहीं रखता, क्योंकि पहचान कर ऐसे बन जाना कि जैसे जानते नहीं इंतहाई तकलीफ़ दे और तलख है। सब्र में दुनिया व आखिरत की राहत है। तुझ पर अफसोस है कि तू अल्लाह को पहचानता है उसके बावजूद उससे मुंह फेरता है, उसका इनकार करता है। उससे मुंह न फेर, वरना हर तरह की खैर से महरूम कर दिया जाएगा। उसके साथ सब्र कर, हौसला रख, साबित कदम रह, गैर की तरफ न झुक। क्या तुझे खबर नहीं कि जिसने सब्र किया वो कादिर हो गया? फिर ये तेरी कैसी समझ है और तुझे कैसी जल्दी है? ज़रा सोच और गौर कर। इरशाद बारी तआला है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु सबरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, सब्र करो और सब्र की ताकीद करो और आपस में रब्त पैदा करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। इरशाद बारी तआला है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु सबरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, सब्र करो और सब्र की ताकीद करो और आपस में रब्त पैदा करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ। सब्र के बारे में क़ुरान मजीद में बहुत सी आयतें आई हैं जिनसे मालूम होता है कि सब्र में क्या क्या नेमतें और अता हैं, अच्छा बदला है, बख्शिश है। सब्र में दुनिया व आखिरत की राहत है। सब्र को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि तुम दीन और दुनिया के लिए सब्र की खूबियाँ तुमने जान ली हैं। कब्रों की ज़ियारत ज़रूर किया करो। अल्लाह के नेक बंदों, सुलहा के यहाँ आना जाना और भलाई के काम करना अपने ऊपर लाजिम समझ लो। ऐसा करने से तुम्हारे सब काम दुरुस्त हो जाएंगे, सब बिगड़े काम बन जाएंगे। तुम उन लोगों जैसे न हो जाओ कि जब उन्हें नसीहत की जाए तो कबूल न करें, वो जब सुने तो उस पर अमल न करें। अल्लाह के दुश्मनों से मुशाबहत इख्तियार न करो। ऐ लोगों, तुम मजलिस में जिक्र में आते हो तो तुम्हारे आने का मकसद महज सैर व तफरीह होता है। तुम इलाज के इरादे से हाजिर नहीं होते हो और वाइज के पंद व नसाहे पर कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि उसकी भूल, खता और लगदिश पर नज़र रखते हो और उसकी हंसी और मजाक उड़ाते हो, सर हिला हिला कर अल्लाह ताला के साथ जुआ खेलते हो, ऐसा करके खतरात में पड़ते हो। सच्चे दिल से सर को नहीं हिलाते। इन हरकतों से तोबा करो। अल्लाह के दुश्मनों से मुशाबहत इख्तियार मत करो और जो कुछ सुनो उससे फ़ायदा उठाओ और नसीहत पर अमल करो। नियाबत और खिलाफत इलाही के लिए तरबियत व तैयारी करना ज़रूरी है। ए बेटा, तू आदत का असीर होकर रह गया है। तू रिस्क के तलब करने और सबब पर तकिया करने का पाबंद हो गया है और सबब पैदा करने वाले को और उस पर तवक्कुल करने को भूल बैठा है। इसलिए
तू नए सिरे से अमल कर और अमल को इखलास के साथ कर। इरशाद बारी ताला है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मा खलकहुम लिलहवस, मा खलकहुम लिललअब, मा खलकहुम लिलअकल वश्शुर्ब वन्नौम वन्निकाह। मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उन्हें हवस और खेलकूद और खाने पीने, सोने और निकाह करने के लिए नहीं पैदा किया है। ए गाफिलों, गफलतें छोड़ दो, जाग जाओ, तुम्हारा दिल उसकी तरफ एक एक कदम चलता है। तुम्हारा दिल उसकी तरफ अगर एक कदम चलता है तो उसकी मोहब्बत तुम्हारी तरफ कई कदम बढ़ती है। वो अपनी मोहब्बत वालों से मुलाकात का उनसे भी ज़्यादा शौक़ रखता है। यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क इनायत फरमाता है। बंदा जिस किसी काम का इरादा करता है तो वो उसके लिए असबाब पैदा फरमाता है। जब किसी बंदे से कोई काम लेना चाहता है तो उसे उसके लिए तैयार कर देता है। इस बात का बातिन से ताल्लुक है, जाहिर से नहीं। जब बंदे में ये सब खूबियां उजागर हो जाती हैं तो उसका जोद दुनिया व आखिरत और तर्क मासिवा में दुरुस्त हो जाता है। सेहत और कुर्बत, मुल्क और सल्तनत व अमारत, सरदारी उसके पास हाजिर होते हैं। तब उसका जर्रा पहाड़ बन जाता है, उसका कतरा दरिया बन जाता है, उसका सितारा चांद बन जाता है, उसका चांद सूरज बन जाता है, उसका थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसका अदम वजूद बन जाता है, उसकी फना बका बन जाती है, उसकी हरकत सुकून बन जाती है। उसका दरख्त बुलंद होकर अर्श इलाही तक बुलंदी व रिफात पाता है, उसकी जड़ ज़मीन तक फैलती है, उसकी शाखें दुनिया व आखिरत पर साया करती हैं। ये शाखें और टहनियाँ क्या हैं? हुक्म और इल्म। दुनिया उसके नज़दीक एक अंगूठी के हलके की तरह है, न दुनिया उसे ग़ुलाम बना सकती है, न आखिरत उसे क़ैद कर सकती है, न कोई बादशाह या मातहत उसका हाकिम हो सकता है, न कोई दरबान उसे रोक सकता है, न कोई उसे पकड़ सकता है, न कोई गदला उसे मेला कर सकता है। ये औसाफ बाकमाल हों, जब ये औसाफ बाकमाल हों तो ये बंदा मखलूक के साथ ठहरने की सलाहियत रखता है। वो उनका हाथ थाम कर बेयाद के तमाम दुनिया के तमाम समंदर से पार उतार देने के काबिल हो जाता है। चुनाचे अगर अल्लाह ताला अपनी नियाबत और खिलाफत के लिए बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे लोगों के लिए रहबर, उनका तबीब, उन्हें अदब सिखाने वाला, उन्हें महज़ब बनाने वाला, उनकी तर्जुमानी करने वाला, उनको तैराने वाला, उनकी निगहबानी करने वाला उनके लिए चांद और सूरज बन जाता है। चुनांचे अल्लाह ताला अगर बंदे से रुश्द हिदायत का काम चाहता है तो ऐसा हो जाता है, वरना ऐसे बंदे को अपने पास पर्दे में छुपा रखता है और अपने गैरों से गायब कर देता है। ऐसे अफराद औलिया अल्लाह में से ख़ास गिने चुने लोग होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से मखलूक की जानिब पूरी हिफाजत और कामिल सलामती के साथ आते हैं। उन्हें मखलूक की मुसीबतों की इस्लाह और हिदायत की तौफीक अता होती है। दुनिया का जाहिद तारिक दुनिया आखिरत से आजमाया जाता है, और दुनिया व आखिरत का जाहिद तारिक दुनिया व आखिरत रब के यहाँ दुनिया व आखिरत से परखा जाता है। तुम तो यूं गाफिल हुए पड़े हो जैसे तुम्हें मरना ही नहीं, गोया तुम कयामत के दिन नहीं उठाए जाओगे, जैसे अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब देना ही नहीं है।
या फिर पुल सिरात से तुमने गुजरना ही नहीं है, तुम्हारी ये कैफियत है हालांकि तुम इस्लाम और ईमान के दावेदार भी हो। अगर तुम कुरान और उसके इल्म पर अमल न करो, अगर तुम अमल नहीं करोगे तो ये सब तुम्हारे खिलाफ हुज्जत समझे जाएंगे। जब तुम अहले इल्म के यहाँ जाओगे और उनकी तालीम पर अमल न करोगे तो तुम्हारा उनके पास जाना तुम्हारे खिलाफ हुज्जत है, तुम पर उसका गुनाह बिल्कुल इसी तरह होगा जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके फरमान को न मानते। कयामत के दिन हर एक पर अल्लाह का खौफ, उसका जलाल और अजमत, उसकी किबरियाई और अदल से आम होगा। दुनिया के तमाम बादशाहों की हुकूमतें जाती रहेंगी और सिर्फ उसी का मुल्क बाकी रहेगा। कयामत के दिन सब उसी की तरह रुजू करेंगे। उसी दिन औलिया अल्लाह ताला की सल्तनत व बादशाहत, इज्जत व अमारत, सरदारी और उन पर अल्लाह का इनाम व इकराम जाहिर होंगे। कयामत के दिन की बात तो दूर की बात है, वो तो आज भी बंदों और शहरों के कोतवाल व मुहाफिज हैं और पहाड़ों पर गालिब हैं। ज़मीन का कायम रहना उन्हीं के दम कदम से है। हकीकत में वही खिलकत के अमीन और सरदार हैं और अल्लाह के सच्चे नायब और हकीकी खलीफा हैं। उनका यह हाल बातिन के लिहाज से है, जाहिर के एतबार से नहीं। आज उनके बातिन के कमालात के ज़हूर का दिन है, कल क़यामत के दिन उनके जाहिर के ज़हूर होगा, यानी हिजाब उड़ जाएगा। अहले बसीरत को अपना आईना बना लो। ए बेटा, तू मुझे अपना आईना बना, अपने दिल का आईना बना, अपने बातिन और आमाल का आईना बना। मुझसे करीब हो और मुझसे करीब हो जा, यकीनी तौर पर मेरे क़ुर्ब की वजह से तू अपने नफ्स में वो कुछ देख सकेगा जो तू मुझसे दूर रहने की वजह से नहीं देख पाता। अपने दीन के हवाले से अगर तुझे कुछ पूछना है तो पूछ मुझसे, मैं अल्लाह के दीन के हवाले से तुम्हारी कोई उलझन रहने नहीं दूंगा। शरीयत इलाही की तामील के लिए मैं निहायत बेबाक और बेझिझक हूँ। मैंने दीन ऐसे मजबूत हाथ वालों और रासिख इरादे वालों से सीखा है जो न तो मुनाफिक थे और न ही कोई फ़ायदा उठाने वाले थे, सरासर इखलास के बंदे थे। तू दुनिया को घर में छोड़ा और मेरे करीब हो जा, यकीनी तौर पर आखिरत के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मेरे पास ठहर, मेरी बात को सुन और चंद रोज़ा ज़िंदगी में उस पर अमल कर। नजात का दारो मदार अल्लाह के खौफ में है। अगर तुझे अल्लाह का खौफ नहीं तो न दुनिया में सुकून होगा और न आखिरत में अमन होगा। अल्लाह ताला का सामने मौजूद न होने के बावजूद उसका खौफ होना ही उसे जानना है, यानी खौफ इलाही और इल्म एक ही चीज़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सूरह फातिर की आयत है। अल्लाह के बंदों में से उससे वही डरते हैं जो इल्म रखते हैं, यानी मेरे बंदों में वो अहले इल्म मेरा यानी अल्लाह का डर रखते हैं जो अमल करने वाले हैं यानी बाअमल हैं, और अपने किए का सिला यानी बदला नहीं चाहते बल्कि उसकी कुर्बत और उसकी रज़ा की आरज़ू रखते हैं, उसकी महब्बत के इरादे से उसकी दूरी और हिजाब को दूर करना चाहते हैं। वो हर वक्त उसी ख्याल में रहते हैं, उन पर दुनिया व आखिरत में रहमत इलाही का दरवाज़ा बंद न किया जाए। वो दुनिया व आखिरत और मासिवल्लाह के अलावा कोई तमन्ना नहीं रखते हैं। दुनिया एक गिरोह के लिए हैं
और आखिरत किसी और गिरोह के लिए हैं, और अल्लाह की ज़ात एक और गिरोह के लिए हैं, और इस वह गिरोह वाले कौन हैं? वो हैं जो ईमान वाले हैं, यकीन वाले हैं, इरफान वाले हैं, उसके दोस्त हैं, उसके डर वाले हैं, उसके सामने आजिज़ी करने वाले हैं, गम रखने वाले हैं, शिकस्ता दिल हैं, बिन देखे अल्लाह का खौफ रखते हैं। अल्लाह की ज़ात उनकी ज़ाहिरी आँखों से ओझल और उनके दिल की आँखों के सामने मौजूद है। ये लोग भला क्यों ना उससे खौफ खाएं? वो हर रोज़ एक नई शान में है, ज़ात से ज़ात में तब्दीली लाता है, हाल से हाल में तगय्युर लाता है, किसी की मदद करता है, किसी को जलील व महरूम करता है, किसी को ज़िंदा करता है, किसी को मारता है, किसी को मकबूल बनाता है, किसी को मरदूद करता है, किसी को अपने करीब करता है, किसी को अपने से दूर करता है। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, वो जो चाहे करें, कोई पूछगछ नहीं, जो कुछ लोग करें तो उनसे तो बासपुरस होगी। उसके हुजूर यही इल्तिजा है, अल्लाहुम्मा क़र्रिबना इलैक वला तुबाइदना अनका वआतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। इलाही, हमें अपना क़ुर्ब नसीब फरमा, हमें अपने से दूर मत रखना, और हमें दुनिया में भलाई अता कर, और हमें आखिरत में भी भलाई अता कर, और हमें दोज़ख़ के अज़ाब से बचाए रख। आमीन सुम्म आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये दर्स मुकम्मल हुआ, और इंशाअल्लाह मेरे सलूक का अगला दर्स इंशाअल्लाह जुमे के दिन रात को 9:30 बजे फिर मुलाकात होगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।